हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल बिल्डिंग वंडर्स। आज हम देखेंगे टेक न्यूज का फर्स्ट एडिशन। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत इंटरेस्टिंग खबरें, मगर उससे पहले आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए। वाइवो के X90 सीरीज के बारे में लीक्स आ चुके हैं और इसमें आपको 3 वेरिएंट्स में मिलने वाले हैं। एक है X90 और एक X90 Pro और X90 Pro Plus। X90 और X90 Pro में आपको देखने को मिलता है MediaTek Dimensity का 9200 SoC का चिपसेट और X90 Pro Plus में आपको देखने को मिलता है Snapdragon 8 Gen 2 का फ्लैगशिप प्रोसेसर और इसमें आपको मिलने वाला है 6.78 इंच का AMOLED डिस्प्ले भी। और ये जल्दी ही चाइना में लॉन्च होने वाला है और उसके बाद इंडिया में लॉन्च होगा। और वाइवो के साथ साथ ओप्पो 9 सीरीज के भी लीक्स कंफर्म हो चुके हैं और Reno 9 सीरीज में आपको 3 वेरिएंट्स मिलने वाले हैं। एक है Reno 9 और एक Reno 9 Pro और Reno 9 Pro Plus। इसमें आपको मिलने वाला है 50 मेगापिक्सल का OIS का फ्लैगशिप सोनी सेंसर और फ्रंट में आपको मिलने वाला है 32 MP का सेल्फी कैमरा। और 9 Pro Plus में आपको मिलने वाला है 16 GB का रैम और 256 GB का स्टोरेज और Reno 9 Pro में आपको मिलेगा 4500 mAh की बैटरी। और ये चाइना में नवंबर 24th को लॉन्च होने वाला है और मे बी दिसंबर में इंडिया में लॉन्च होगा। और अब ये देखिए दोस्तों, OnePlus का Nord N20 SE बिना कोई पब्लिसिटी Flipkart पे लॉन्च हो चुका है। इसमें आपको मिलने वाला है 6.56 इंच का HD+ डिस्प्ले और 5000 mAh की बैटरी और 33W का सुपर फास्ट चार्जिंग और ड्यूअल रेयर कैमरा सेटअप जिसमें 50 MP का प्राइमरी सेंसर होगा और MediaTek Helio G35 का प्रोसेसर होगा। एक्चुअली ये Oppo A77 के नाम से रीब्रांडेड होके इंडिया में आया था, मगर ये बिना कोई अनाउंसमेंट पे Flipkart पे और Amazon पे आ गया है। एक्चुअली ये चाइना का फोन है जो Flipkart इंपोर्ट करके बेच रहा है। इसमें आपको कोई भी वारंटी मिलने वाली नहीं है दोस्तों, ये देखिए, क्योंकि ये इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है ऑफिशियली, ये अनऑफिशियली Flipkart पे बेच रहे हैं। और Nothing Phone 1 के बारे में कुछ खास खबरें बाहर आ चुके हैं और अब Nothing Phone 1 में आपको मिलने वाला है विधांस वीडियो स्टेबिलाईजेशन। एक्चुअली Nothing Phone ने विधांस के साथ टाइप किया था। विधांस एक वीडियो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है और आपको और भी अच्छे वीडियो स्टेबिलाईजेशन देखने को मिलेगा जल्दी ही Nothing Phone 1 में। IQ ने अपना नया सीरीज IQ11 को जल्दी ही लॉन्च करने वाला है और इसमें टॉप एंड वेरिएंट जो होगा वो IQ11 लेजेंड के नाम से होगा, क्योंकि IQ11 11 Pro और लास्ट वेरिएंट IQ11 लेजेंड के साथ आने वाला है। मगर ये कब तक आएगा इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन अभी तक बाहर नहीं आई है। IQ से ही दूसरी खबर बाहर आ चुकी है, IQ Neo 7 SE के इमेजेस लीक हो चुके हैं। इसमें आपको मिलने वाला है MediaTek Dimensity का 8200 का चिपसेट और 120W फास्ट चार्जिंग और इसमें आपको मिलने वाली है 5000 mAh की बैटरी और E5 AMOLED स्क्रीन। इसका मेन कैमरा होगा 50 MP का OIS के साथ। वैसे IQ Neo 7 तो लास्ट मंथ लॉन्च हो चुकी है चाइना में, इंडिया में अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं मिला है। देखना है इंडिया में Neo 7 किस नाम से आएगा और Neo 7 SE कौन से नाम से आएगा। दोस्तों और भी इंटरेस्टिंग न्यूज ये है कि Realme जल्द ही अफोर्डेबल फोल्डिंग फोन्स को लाने वाली है, ऐसा उसके CEO ने अनाउंस कर दिया है। और भी इंटरेस्टिंग न्यूज ये है कि Realme एवरी ईयर 2 GT Neo के सीरीज लॉन्च करेगी, एक मिड ऑफ द ईयर और एक एंड ऑफ द ईयर, और एक GT सीरीज को लॉन्च करेगी एवरी ईयर। और ये फोल्डेबल फोन्स भी बहुत जल्दी ही आने वाले हैं, इस पे R&D चल रहा है। OnePlus ने अपना OnePlus 11 सीरीज को ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है उनके चाइनीज वेबो वेबसाइट पे। आपको मिलने वाला है Snapdragon 8 Gen 2 चिपसेट जो फ्लैगशिप प्रोसेसर है। वैसे तो 2023 में आने वाले बहुत सारे फोन्स में यही चिपसेट देखने को मिलेगा। दोस्तों अब बात करते हैं, Elon Musk ने 1200 एम्प्लॉइज को एक ही बार निकाल दिया ट्विटर से। और मस्क ने ऐसा अजीब तरीका निकाला एम्प्लॉइज को बाहर निकालने के लिए। उन्होंने एक मेल भेज दिया सारे एम्प्लॉइज को, अगर आप काम करना चाहते हो तो 80 घंटे पर वीक आप काम करना है, अगर काम करना चाहते हो तो एस पे क्लिक कीजिए, नहीं तो नो पे क्लिक कीजिए। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपने आप रेजिग्नेशन करके चले गए। और अब बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि मस्क भाई ने कोडिंग के लिए लोगों को ढूंढ रहे अपने कंपनी में। भाई आपके पास भी कोई कोडिंग जानते हो तो जाके ट्विटर में ज्वाइन हो जाइए। और फनी थिंग यह है कि RIP ट्विटर का हैशटैग ट्विटर पे बहुत ट्रेंडिंग हो रहा है, ट्विटर पे ही ट्विटर को मार दे रहे, वाह क्या बात है। और अब अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस ने कहा था कि रिसेशन बहुत जल्दी ही आने वाला है, इसलिए आप अपना पैसे को बचाइए और बेकार के चीजों पे पैसा मत खर्च करिए, जैसे कि कार्स, टीवीस और फ्रिजेस पे आप पैसे को बर्बाद मत कीजिए, ऐसा तो जेफ बेजोस ने बताया है। ये देखिए कमाल की बात, एक तरफ जेफ बेजोस टीवीस और फ्रिजेस को खरीदने से मना कर रहे और दूसरी तरफ अमेज़न पे डिस्काउंट पे डिस्काउंट दे के टीवीस और फ्रिजेस को बेच रहे, वाह क्या बात है। ओके दोस्तों, ऐसे और भी इंटरेस्टिंग टेक न्यूज के लिए मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू।